चलते लंबे समय से स्कूल और कॉलेज बंद पड़े हुए हैं। इसके बावजूद भी स्कूल और कॉलेजों की मनमानी फीस वसूली जा रही है, जिसके विरोध में बड़ी संख्या में शनिवार को राज मोहल्ला स्थित वैष्णो कॉलेज पर पालकों द्वारा बढ़ती फीस वृद्धि के विरोध में जमकर हंगामा किया गया। पालकों का कहना था कि लंबे समय से स्कूल और कॉलेज बंद हैं, जिसके चलते ट्यूशन फीस के नाम पर मनमानी फीस वसूली जा रही है। ना तो बच्चों की पढ़ाई हो रही है और ऑनलाइन पढ़ाई भी फीस न भरने के चलते बंद कर दी गई है, जिसके स्वरूप शनिवार को बड़ी संख्या में पालक द्वारा स्कूल की मनमानी के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया और मांग की गई है कि स्कूल संचालक द्वारा जिस प्रकार की मनमानी फीस वसूली जा रही है, इसको 30% कम करके पालकों से वसूला जाए। वहीं पालकों के द्वारा स्कूल संचालक को चेतावनी देते हुए बताया गया है कि यदि स्कूल की मनमानी इसी प्रकार चलती रही तो स्कूल के खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं स्कूल संचालकों द्वारा पालकों को डराया धमकाया जा रहा है और फीस ना भरने पर बच्चों को स्कूल से निकालने की धमकियां भी दी जा रही है, जिसके स्वरूप बड़ी संख्या में पालकों द्वारा धरना दिया गया। उन्होंने मांग की है कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती तब तक पालकों द्वारा उग्र आंदोलन जारी रहेगा। नहीं आए जो ये सेवा दे रहे हैं उतना पैसा हम सहर्ज देना चाह रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पर कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन हो रहा है। वो कैसे कि कोर्ट ने आदेश दिया है कि यदि किसी पेरेंट्स के पास में पैसा नहीं है तो वो अपने अधिकार को, यहाँ पे उसके अधिकार को छीना नहीं जा सकता। ऑनलाइन पढ़ाई से उसके बच्चे को बाहर नहीं किया जा सकता। यहाँ पे हमारे बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई बंद कर दी गई है। तीसरी क्लास तक के बच्चे का तो ऑनलाइन की व्यवस्था ही नहीं की गई है। तो ये सबसे बड़ा कोर्ट की भी अवमानना यहाँ पर हो रही है। इस चीज़ को ध्यान रखा जाए इसका। मैं जागृत पालक संघ से हूँ। मेरा नाम दीपक शर्मा है। अच्छा, आपके ट्रस्टियों से बात हुई कि नहीं हुई? वही बात करने तो हम आए। अब आप देखें, यहाँ पे बाउंसर लगा दिए हमारे लिए, बात करने हम आए हैं। बाउंसर की व्यवस्था की गई। बात नहीं करते तो आप अगला क्या करोगे? हम साहब इस आंदोलन को छोड़ेंगे नहीं। हम हमारे जो पैसे उनको देना है 50%, वो सहज देने को तैयार है। पर जो सुविधा वो पिछले साल दे रहे थे और उतनी फीस लेंगे तो वो फीस हम नहीं दे पाएंगे। ये जो संवेदनहीनता वो कर रहे हैं उसको हम सहन नहीं करेंगे। हाँ साहब, आप देख लीजिए, बाउंसर हमारे सीधे साधे पेरेंट्स के लिए बाउंसर लगे हुए हैं यहाँ पर। मनमानी फीस नहीं ले सकते, और ये अगर मनमानी फीस लेते तो हमारे ऊपर ये जाति कर रहे और ये मानवता पर सरासर मेरा नाम सतीश शर्मा। हाँ बिल्कुल मिलेंगे, सारे लोग मुलाकात करने के लिए आए, अपने हक और अधिकार की लड़ाई। शुक्रवार को जो हम पालक संघ यहाँ पे आए थे, ये डराने के लिए बोर्ड लगाया गया है। शुक्रवार को बोर्ड वीडियो को भी आने नहीं दिया था इन्होंने परसों अंदर। बाउंसर लगा के रखे अंदर। करना है अभी, कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगा। यहाँ पे शांतिपूर्ण बात करने आए हैं, कोई विवाद नहीं। पूरी बात सुनिए, पहले बात मानिए। यहाँ पे अपन मीटिंग करने आए ना, जब अपनी बात हो गई है कि आज के दिन मीटिंग होना है तो मीटिंग करने आए, मीटिंग होगी। यहाँ पे शांतिपूर्ण वार्ता करने आए, कोई विवाद करने नहीं आए। कोई हाय हाय के नारे नहीं लगाएगा कोई भी। बस यहाँ पर अपन को पेरेंट्स का दिखाना है कि हम पेरेंट्स हैं। नहीं, आप बात को अंदर कोई नहीं जाएंगे। सबके सामने बात होगी। अब व्यवस्था बैठाएंगे कि ताकि सबको सुनाए बात। आप मेरी हाँ बोलो, आप बोलो, पूरी बात सुनिए। अगर ये हमसे उतनी फीस नहीं ले सकते तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? नहीं, ताकत के साथ में, मजबूती के साथ में खड़ा रहना पड़ेगा। और अगर जो लोग मजबूती के साथ में खड़े हैं उस स्कूल के अंदर रियायत करिए। अगर क्रिश्चियन मिशनरी का चलाया हुआ ट्रस्ट, क्रिश्चियन मिशनरी का चलाया हुआ ट्रस्ट अगर 50% की छूट दे सकता है तो हिंदुत्व की हिंदू है बात करते हैं। सामान्य स्कूल देखता है, सामान्य स्कूल में भी गायब है। वो लोग
वो लोग हमारी फीस का कम नहीं करेंगे और कब तक नहीं करेंगे, कब तक हमारी फीस कम नहीं करेंगे। आज हमारी आवश्यकता है, आज हमारी जरूरत है। क्या हम इनके दरवाजे पर कभी फीस कम कराने के लिए आए क्या? नहीं, 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 कभी कम कराने के लिए नहीं, 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 कभी कम कराने के लिए तो आज क्यों आए? आज आज हमारी मजबूरी है, आज परिस्थिति है खराब है, तो इस परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा रहेंगे कि नहीं खड़ा रहेंगे? यहाँ की प्रिंसिपल का मैडम का कहना है कि आज नहीं खड़ा रहेंगे, ये लोग हमारे साथ खड़ा रहेंगे कि नहीं खड़ा रहेंगे? इनको खड़ा रहना पड़ेगा हमारे साथ में, अगर ये हमारे साथ में खड़े रहेंगे, ये अगर हमारे साथ में खड़े रहेंगे तो ही हमारे भावनाओं की कद्र करेंगे। हमारा उनका रिश्ता क्या है? परिवार का रिश्ता है ना, तो परिवार की अगर तकलीफ है तो अगर समझना चाहिए। अगर हमारे परिवार के, क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, तो हमारी कौन कौन हमारी हमारा ध्यान रखेगा? उसके बाद भी नहीं समझ रही, नहीं मतलब यही कह रहा हूँ। वैष्णव है मेरा, मेरा ये कहना है कि जब शासन ने कह दिया कि केवल आप ट्यूशन फीस ले सकते हैं, तो ट्यूशन फीस कौन सी, जो कौन सी, क्या क्या आपके गेम्स की जो फीस जी आप बताएं? और क्या सबसे बड़ी विसंगति तो ये है कि शैक्षणिक स्कूल लोगों को मालूम नहीं है, ट्रस्ट शैक्षणिक स्कूल के नाम पे सारे विविध शुल्क कलेक्ट कर रहा है जी। टीचर्स अगर सामान्य बात में अपन बात करें तो जनमानस ये समझता है कि शैक्षणिक गतिविधि में लगने वाला जो शुल्क है जी, अभी वर्तमान परिस्थिति की बात करें तो ऑनलाइन टीचर पढ़ा रहे हैं जी, तो टीचर्स को देना बनता है, स्टाफ उनको आके असिस्ट कर रहे हैं उनको देना बनता है, और जो भी इस गतिविधि में ऑनलाइन पढ़ाई में जितना इनका इक्विपमेंट जितना इनका रिसोर्सेज लग रहा है केवल वही देने के लिए हम तत्पर हैं। मानवता के आधार पर, चूँकि 8 महीने हम लोगों ने भुगता है, कई लोगों की जॉब गई है, स्वयं मैं अधिवक्ता हूँ, मेरी बेटी इसी स्कूल में 5th क्लास में है, 8 महीने से था कोई भी मेरे को कोई इनकमिंग नहीं हुई है जी। उसके बाद भी हम ये चाहते हैं कि जो ये सुविधा दे रहे हैं उससे कहीं बढ़कर जी, मतलब जो ये शैक्षणिक शुल्क हमको क्लियर करते हैं तो उसका नहीं तो जो उन्होंने शैक्षणिक शुल्क हमको बताया उसका 50% सहर्ज हम देने को तैयार हैं। क्यों? क्योंकि गुरु सभी के लिए पूजनीय है जी, देवतुल्य है, तो वही देखते हुए स्टाफ और उनके परिवार और शिक्षक गणों के परिवारों को देखते हुए हम सभी पालकगण 50% शैक्षणिक शुल्क देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये निवेदन नहीं है, ये हमारा अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। धन्यवाद। आपका नाम? मैं गोपाल साहू और इसी स्कूल में मेरी बेटी अध्ययनरत है। हम बैठे रहे धरने पे तब तो फिर बोले कि हम 20 ट्रस्टी हैं, 2 डिसीजन नहीं ले पाएंगे। चार पाँच घंटे बैठे रहे यहाँ पे, तो ये आज का समय दिया तो हमने उनकी रिक्वेस्ट को स्वीकार करा और आज एकत्रित, आज भी मिलने को राजी नहीं है। आज तो इन्होंने बाउंसर भी बुला रखे हैं, तो बुलवाए तो क्या करेंगे, हमको ऊपर तो भी लोग थोड़ी है, सब भी परिवार से मिलान करते हैं, पूरे बालक संघ जितने भी, और उस दिन भी कोई दो बड़ों बच्चों को रिमूव कर दिया, उस दिन भी हम बैठे रहे, कोई भी एक ऐसी हरकत नहीं करी है, पूरे आप देख चुके हैं, कोई होता तो सब बैठे रहे। नाम किशोर चौहान। हम भी चाहते हैं कि फीस कम हो, 5 दिन पहले भी बोला गया यहाँ पर, हमें ये बोला गया कि आपने इस स्कूल में बच्चों को क्या डाला? बोले मेरा बेटा तो इतने बड़े कॉलेज में पढ़ता है, मैं इतनी लाखों की फीस पाती हूँ, जो दैनिक मजदूर है, जो दैनिक कमाता है, जो सिंगल पेरेंट्स है, अगर वो पढ़ाना चाहता है वो कैसे भी करके पढ़ाता है, आपके पास फीस माफ लेके आए हैं तो आप हमें उल्टा ब्लेम कर दें कि मेरा बेटा इतने बड़े कॉलेज में है, ये हम क्यों सुने? आपका बेटा होगा, आप प्रिंसिपल, आप सैलरी अच्छी पाती है, हम लोग तो रोज कमाते रोज खाते हैंगे, हम कहाँ से इतनी सैलरी भरेंगे, कहाँ से इतनी फीस भरेंगे, कहाँ से क्या करेंगे? हमेशा वो उल्टे ही जवाब देती, पेरेंट्स को बात करने का तरीका नहीं है। इसकी प्रिंसिपल की शिकायत करी आपने? नहीं, अभी प्रिंसिपल मैडम की मैंने शिकायत नहीं करी, पर उनका बहुत घटिया तरीका है। आपने कहाँ शिकायत करी? अंदर मैडम के रूम में शिकायत करी। परसों के दिन मैडम के रूम में गए थे तो मैडम ने बोला कि हम ट्रस्टी करेंगे जो भी करेंगे, यही ना, हम 5-5 बार आए मैडम से मिलने, मैडम ने कोई वो नहीं करा, ट्रस्टी का नाम ले रहे हैं मैडम, सब करेंगे जो ट्रस्टी करेंगे, उसमें भी हम 9 बजे ट्रस्टी अभी तक आए नहीं आ रहे, सामने नहीं आ रहा है, ट्रस्टी सामने नहीं आ रहा है इनसे चर्चा करने के लिए, बिल्कुल नहीं आ रहा है, आज भी उन्होंने बोला है। हम लोग प्रिंसिपल से मिले थे तो हमें प्रिंसिपल और यहाँ के स्टाफ से कोई भी मतभेद नहीं है, क्योंकि लड़ाई सीधे सीधे ट्रस्ट से है, क्योंकि ये लोग तो क्या है कि कोऑर्डिनेशन करते हैं हम लोगों के बीच में, ट्रस्ट का स्पष्ट, मेरी ट्रस्ट में किसी से बात हुई थी, फ़ोन पे बात कर रही थी, उन्होंने ऑनलाइन क्लास में बच्चों को जोड़ने के निवेदन को तुरंत स्वीकार कर लिया था, परंतु
50% फीस कम करने के प्रस्ताव को तुरंत ठुकरा दिया था कि हम लोगों की फीस पूरे इंदौर में सबसे कम है। तो मैंने उनको ये जवाब दिया था कि लोग अपनी जेब और अपनी हैसियत के हिसाब से स्कूल चुनते हैं, तो हम यहाँ पर आए, जब उन लोगों ने कम किए तो आपको भी यहाँ पर कम करना चाहिए, वही हमारा अधिकार है। कोई हम इसे भीख नहीं मांग रहे हैं, कोई इनको आवेदन नहीं कर रहे हैं, कोई निवेदन नहीं कर रहे हैं। ये ग्राहक होने के नाते, पालक होने के नाते हमारा अधिकार है कि जितने हमें सेवाएं दी जा रही है उतना हम मूल्य दें। पर यहाँ पर हम मूल्य से भी ज़्यादा 50% शैक्षणिक शुल्क चुकाने के लिए तत्पर हैं और यही हमारा अधिकार है, हम लेकर रहेंगे। एक बात, आपका नाम बताइए। मेरा नाम लक्की आदिवाले, महानगर मंत्री अभय इंदौर, अखिल भारतीय। आपका नाम? लक्की आदिवाल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, महानगर मंत्री। बताइए साहब, कल परसों हमने जो एक ये इनको बात की थी यहाँ पे स्कूल प्रशासन से, तो उन्होंने आज बुलाया था मीटिंग के लिए कि जो ट्रस्टी है इस वैष्णो ट्रस्ट के, वो आज मिलके बात करेंगे। तो जो पेरेंट्स की मांग थी जो 50% फीस कम की जाए और जो बच्चों को रिमूव किया गया उनको वापस से ऐड किया जाए क्लासेस के लिए, तो उस बात पर हम बात करने आए हैं। इन्होंने बाउंसर बुला रखे हैं आज? उसकी हमें कोई चिंता नहीं, बाउंसर पेरेंट्स के लिए अभिभावक गण है, परिषद है, देखते हैं क्या है। तो आपसे मिलने का टाइम आज कितनी बजे का? बस 1 बजे का था, हम आए उसी लिए। अगर आई भी आपकी मांगे नहीं मानी तो क्या करेंगे? क्या करेंगे आप आगे? हम उग्र आंदोलन प्रदर्शन करेंगे, मुख्यमंत्री जी तक बात करेंगे। हाँ, जो भी संभव हो पाएगा ये निर्णय मना के हम रहेंगे। लक्की आदिवासी, महानगर।